नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक सीलिंग फ़ैन को रिवाइंड करेंगे। तो हमने पेपर लगा लिए हैं जो कि स्टार्टिंग पेपर हैं, और उसको हम मशीन से रिवाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैनुअल डाई का यूज़ हम कर रहे हैं। तो हमने डाई सेट कर लिया है। अगर आपने डाई का वीडियो नहीं देखा तो हमारे राव मेन चैनल पर जा सकते हैं, रावजी इलेक्ट्रिकल पर जा सकते हैं, या हाईटेक टेक्निकल एक्सपर्ट रावजी पर जा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमने देखिए इसको कस लिया है। कसने के बाद हम इसको आगे की तरफ धकेल देते हैं, और आगे की तरफ धकेलने के बाद हमारी डाई पूरी तरह से सेट है। ठीक है, तो हम इसको आगे की तरफ धकेलेंगे। और धकेलने से पहले एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पे जो छेद देख रहे हैं कनेक्शन वाला, उस साइड आ जाइए, और इसको हम आगे की तरफ, बिल्कुल आगे की तरफ धकेल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम कॉपर नंबर यूज करेंगे, 36 नंबर, 36 नंबर या 35 नंबर या 36.5, ठीक है, 35.5 का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 36 नंबर गेज है, तो हम गेज को यहाँ पे नीचे रखेंगे। यहाँ पे नीचे हम गेज को रख देते हैं मशीन के साइड में, और हम यहाँ से धागा इसमें डालेंगे। धागा डालने के बाद इधर से डालेंगे जहाँ पे रुई लगी हुई है। रुई के अंदर से डालने के बाद इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हम यहाँ से जो चक्कर देख रहे हैं इसके ऊपर से लेंगे, और इसके अंदर की तरफ हम डालेंगे। तो इसमें आप डायरेक्ट भी तार डाल सकते हो, अगर नहीं निकले तो स्लीव के माध्यम से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें स्लीव का यूज सबसे अच्छा रहता है। तो देखिए हमारा तार इस तरफ निकलेगा। अगर नया निकले तो आप क्या करना है, स्लीव का टुकड़ा लेना है। तो आप स्लीव को ले लीजिए इस तरह से, एक एक नंबर स्लीव में डाल दीजिए इस तार को, और मोड़ दीजिए, और इसमें डालना है। डालने के बाद हमारी स्लीव आ जाएगी इधर, फिर इसको हम खींच सकते हैं। ठीक है, तो हमारा तार यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ से हम इस पर ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम लूज भी रखेंगे, यहाँ से ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, हल्का सा लूज ही रखेंगे, ताकि तार जो है आराम से आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से इसको पुरो लीजिए। और यहाँ तक का प्रोसेस हमारा जो है ठीक होता है। यहाँ से तार को पुली के ऊपर चढ़ा लीजिए। अब ये जो तार आता है इसको क्या है कि सापट के ऊपर बांध दीजिए यहाँ पे। तो सापट पे बांध देना है। तो दोस्तों, हमारा तार हमने सापट पे बांध दिया है, और डाई को सेट कर लिया है। तो अब क्या करना है, हमको मशीन के अंदर करंट देनी है। राइट, तो दोस्तों देखिए, हमारी मशीन जो है हमने इसमें करंट दे दी है। अब इसके हम टर्न सेट करेंगे। तो हमारे 353 टर्न है, तो हम इसको बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम इसमें 350 टर्न हम इसको करेंगे। तीन सौ पचास टर्न हम देंगे 36 नंबर से स्टार्टिंग के अंदर। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिवर्स, पहले घूमेगी मशीन, फिर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, एक बार रिवर्स एक बार फॉरवर्ड। तो
तो यहाँ पे मशीन इस तरफ घूमेगी, तो हम इसको एक क्या करेंगे कि पहले इसको हाथ से घुमा के देखेंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो हम तार को एक बार फिर से टेस्ट कर लेते हैं। तार को हम डाल लेते हैं, बांध देते हैं, टेस्टिंग कर लेना एक बार, कई बार तार टूट जाता है। ओके, अब इसको हाथ से हम घुमा के देखेंगे, तो हमारा तार जो है एक दो टर्न हाथ से हम देंगे। अगर हमको लगता है कि हमारा हाथ से नहीं अटक रहा है तो हम मशीन को चालू कर देंगे। तो यहाँ पे रिवर्स के लिए रेड बटन है, फॉरवर्ड के लिए ग्रीन बटन है, तो हम यहाँ पे रिवर्स करना चाहते हैं तो रेड बटन दबाएंगे। वो टर्न हमने सेट कर दी, उतनी टर्न मशीन ऑटोमेटिक लगा देगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड बटन दबाते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करिए, कि टर्न चलने लग रहे हैं, वो तार लिपटने लग रहे हैं। तो एक बार रिवर्स लपेटेगी, एक बार फॉरवर्ड। ठीक है, तो हमारा रिवर्स हो चुका है, तो इस कॉइल के अंदर तार डल चुका है। अब जैसे इस पे तार डाला है, हम तार को पीछे की तरफ निकला है तो उसको निकाल देंगे ऐसे। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हम अगले स्लॉट में डालेंगे। फिर आगे अगले स्लॉट में हम डालेंगे इसको, और हम फिर से क्या है कि इसको टेस्ट करेंगे कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। ठीक है, तो हम इसको हाथ से घुमाएंगे। अब इधर घूमेगा, ठीक है, अब ये फॉरवर्ड घूमेगा, तो हम ग्रीन बटन यहाँ पे दबाएंगे। तो जब ही ट्रेन पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारा दो कॉइल डल चुका है, अभी तार इधर निकला है, तो हम इसको इधर ही पकड़ेंगे और अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अगली स्लॉट्स के अंदर सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद क्या करना है, हम इसको घुमाएंगे, रिवर्स करेंगे। राइट, रिवर्स सही जा रहा है तो बटन दबा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक तार टूट गया क्योंकि उलझ गया था, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। तो दोस्तों हमारा तार क्या था कि चक्कर जो है हमारा था वो उलझ गया था, उसके कारण तार जो है टूट गया था। तो हम तार को यहीं के यहीं ज्वाइंट कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे पकड़ लेते हैं फिलहाल, और इसको हम हाथ से एक दो बार फिर से घुमाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम मशीन को अब चला देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कॉइल हमारी बन जाती है। तार को पीछे की तरफ से निकाल लेते हैं, तार को पीछे की तरफ से निकाल लेते हैं, और फिर से स्लॉट के अंदर हम लगाएंगे। लगाने के बाद इसको हम सेट करेंगे। ठीक है, सेट करने के बाद दोस्तों हम देखेंगे, इसको फॉरवर्ड करके देखेंगे हाथ से कि तार ठीक से जा रहा है या अटक रहा है। तो सारी चीज़ देखने के बाद क्या करना है, मशीन को चला देना है। ठीक है, तो तार जो है हमारी साइड निकलेगा इधर राइट साइड। अब यहीं पे पकड़ लेना है, स्लॉट चेंज करना है, अगले स्लॉट में बढ़ना है, और स्लॉट में बढ़ने के लिए हमको फिर से इसको घुमाना पड़ेगा रिवर्स कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तार अगर ठीक से डल जाता है तो हम चला देते हैं।
जरूरी होता है। थोड़ी हिसाब तो फिर मायकर ऊंचाई पाता कि मुंह ने दिक्कत ना हो। तो दोस्तों देखिए हमारा जो स्लॉट है वो बचा है, तो हमारे दो स्लॉट बचे हैं, तो हमने सेम तरीके से डालना है सभी के अंदर। जो एक स्लॉट का प्रोसेस है वाइंडिंग का, वही प्रोसेस आपको लगाना है, ठीक है। तो हम इसको फिर से चेक करते हैं, एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो बहुत आराम से रिवाइंड हो जाती है मोटर। कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कैसी भी, ठीक है। अब हमारा अंतिम स्लॉट बचा है लास्ट का, तो इसमें भी हम तार डालेंगे। तो इसमें भी हम इसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट की कॉइल हमारी, इसको भी हम डाल लेते हैं। तो अब देखिए हमारा सेकंड तार निकलेगा जो है, ऊपर की तरफ निकालना है और उसको थोड़ा सा लंबा करके और स्टेटर से इससे सॉरी सापट से बांध देना, राइट। हमारा एक जोड़ हो गया है, उसको हम बाद में जोड़ देंगे। तो हम इस तार इन तारों को बांध देते हैं, बाद में इनको ओपन कर लेंगे वाइंडिंग के बाद। तो अब इसको बाहर निकालते, देखिए मशीन को बंद कर देते हैं। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत वाइंडिंग इसकी हुई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पेपर लगने के बाद काफ़ी खूबसूरत है। तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे कि इसमें पेपर लगाना ऊपर की वाइंडिंग। तो सेकंड पार्ट भी जल्द आ रहा है, तो उसको भी ज़रूर देखिए।